हेलो फ्रेंड्स, अंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठा। तो चलिए शुरू करते हैं मेथी के पराठा बनाना। मेथी के पराठे के लिए हमने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा, कटी हुई मेथी, थोड़ी सी धनिया पत्ता और मिक्स मसाला हमने लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, जीरा, हल्दी, अजवाइन और तिल। तो चलिए पहले इसका डो बना लेते हैं। हम डो बनाने के लिए हमने एक थाली लिया है, इसमें आटा डाल रही हूँ, कटी हुई मेथी, थोड़ी सी धनिया पत्ता, ये हमने खड़े मसाला लिया है, नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी तेल लेंगे मोयन के लिए ताकि सॉफ्ट बने पराठा। ये सारी सामग्री को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, थोड़ी थोड़ी पानी डाल के हम इसे डो बनाएंगे। डो बन के तैयार हो गया। मैंने आटा को अच्छी तरह से डो बना लिया है, ज्यादा एकदम नरम भी नहीं है, ज्यादा कड़क भी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये, कि ताकि अच्छे से हम इसे पराठे के आकार दे सके। पराठे के लिए लोई बना लेते हैं। सारे आटे का हमने लोई बना लिया है, अब एक एक करके हम पराठे बेल लेते हैं। हमने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है बेलने के लिए। देखिए हमने पराठा बेल लिया, तवा गरम हो गया है। इसे मैं दूसरे तरफ से पलट लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी ऑयल लगा लेते हैं हम इसके ऊपर, ज्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से लग गया है तेल। ऐसे हम धीमे आंच में पकाएंगे ताकि मेथी के पत्ते अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने। अगर आप चाहे तो इसे दही और चटनी के साथ में भी खा सकती हैं, नहीं तो आप सब्जी के साथ में भी खा सकते हैं। अच्छी तरह से दोनों साइड से पराठे सिक गए हैं, मैं किस प्लेट में निकाल लेती हूँ और जो बाकी लोई है उसे भी पराठे बना लेती हूँ। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में, झटपट बन के तैयार हो गया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस तरह से आप घर में मेथी के पराठे खाएं, क्योंकि जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फायदेमंद होता है और इसमें क्या गर्माहट होती है, इसलिए नुकसान नहीं करता है मेथी। सबको पसंद आएगा, बच्चे बड़े सबको। इसी तरह से आप घर में जरूर बनाएं।